हेलो दोस्तों, सरस्वती ऑडियो बुक्स की तरफ से मैं अर्चना सिंह हाजिर हूं आपके सामने एक बार फिर शेड हेल्प स्टेटर की एक बहुत ही इंटरेस्टिंग बुक क्या कहें जब स्वयं से बात करें के साथ। क्या कहें जब स्वयं से बात करें, अध्याय 3, क्या कारगर है और क्या नहीं। कोई भी महत्वपूर्ण नई चीज को खोजना रोमांचक होता है। बचपन में हम सभी सोने के बिस्किट और बेशकीमती हीरे जवाहरात से भरे संदूक खोजने के सपने देखा करते थे। वास्तव में हमारे मस्तिष्क के भीतर एक भाग ऐसा होता है जो खजाने ही खोजता रहता है, लेकिन मेरी रुचि हीरे जवाहरात और सोने की तलाश में नहीं थी। मैं तो उस महत्वपूर्ण कुंजी की तलाश कर रहा था जो लोगों को बेहतर जीवन की ओर ले जाने वाले दरवाजे का ताला खोल दे। मैं किसी ऐसी चीज की तलाश में था जो मुझसे पहले आने वाले इतने सारे लोगों की पुस्तकों, संदेशों और समाधानों में छूट गई थी। यदि बेहतर जीवन, अधिक खुशी और व्यक्तिगत संतुष्टि के अंतिम समाधान पहले ही खोजे जा चुके हैं, तो कोई अत्यावश्यक अति महत्वपूर्ण बात कैसे छूट गई? कोई ऐसी बात जो सफलता प्राप्त करने की समूची प्रक्रिया के लिए इतनी महत्वपूर्ण और इतनी अनिवार्य है कि इसके बिना अन्य समाधान कम से कम लंबे समय तक तो काम नहीं करेंगे। मैं पहचानने लगा कि यह खोया हुआ घटक सफलता और आत्मपूर्णता के अन्य सभी तत्वों को पहली बार एक साथ जोड़ने वाला औजार साबित हो सकता है। अपने चारों ओर एक नजर डालते ही मैं समझ गया कि मेरा अनुमान सही था। लाखों लोगों ने सफलता के बेस्ट सेलिंग समाधान आजमाए हैं, लेकिन मुट्ठी भर ही स्थायी परिवर्तन कर सके। अधिकतर लोग कुछ समय तक इस दिशा में परिश्रम करते थे, लेकिन कुछ समय बाद ही पुराने ढर्रे पर लौट आते थे। नए आत्मविश्वास के पहले रोमांच के बाद उनके सपने रोजमर्रा के जीवन की हकीकत से दबकर रह जाते थे। क्योंकि पुरानी प्रोग्रामिंग आदतों को नियंत्रित करती है, इसलिए पुरानी आदतें एक बार फिर कमान थाम लेती हैं। संसार को जीतने और बड़े परिवर्तन करने का लक्ष्य फिर किसी समय के लिए छोड़ दिया जाता है। मैं इस मामले में अधिक आशावादी बनना पसंद करूंगा, लेकिन आप ही बताएं, आप ऐसे कितने लोगों को जानते हैं जिनका जीवन प्रत्येक दिन, प्रत्येक साल सचमुच पूर्ण है, यानी सफलता पूर्वक सफल है। यह प्रमाणित हो चुका है कि प्रतिदिन पूर्ण और पुरस्कार दायक जीवन जीना असंभव नहीं है, परंतु यह बहुत कम दिखाई देता है। यद्यपि हमें बताया जाता है कि हम में से कोई भी बहुत सफल जीवन जी सकता है, और हमें इस बारे में विशेष निर्देश भी दिए जाते हैं कि यह काम कैसे करें, इसके बावजूद हम में से बहुत कम इसे कर पाते हैं। यह सिलसिला शायद कुछ हफ्तों या महीनों से अधिक नहीं चलता। हम वापस पुराने ढर्रे पर लौट आते हैं, पहले जैसे ही हो जाते हैं, जीवन को पहले की तरह ही जीने लगते हैं। शायद थोड़ा बहुत आगे बढ़ते भी हैं, लेकिन मन ही मन हैरान होते हैं कि हम उतना अच्छा प्रदर्शन क्यों नहीं कर रहे हैं जितना हमें करना चाहिए। बेस्ट सेलिंग पुस्तकों से मिले सबसे अच्छे विचार भी, जिन्हें देखकर लगता है कि वे शर्तियां काम करेंगे, केवल कुछ ही समय तक कारगर सिद्ध होते हैं। धीरे धीरे उनका महत्व कम हो जाता है। जो रोमांचक विचार, विस्फोटक खोजें और मानसिक प्रेरणाएं अत्यंत लाभकारी दिखाई देती थी, वे केवल एक बार पढ़कर छोड़ी गई पुस्तकों में परिवर्तित हो जाती हैं, जिन्हें हम बाद में किसी शेल्फ पर रखकर भूल जाते हैं। मैंने सोचा, क्या ऐसा हो सकता है कि मैं जिस खोए हुए घटक को खोज रहा हूं, उसका हमारी व्यक्तिगत प्रोग्रामिंग से कोई संबंध हो? इस उत्तर का पता लगाने और यह सीखने के लिए कि क्या कारगर होता है, मैंने पहले यह जानने का निर्णय लिया कि क्या कारगर नहीं है और क्यों। समझदारी भरे समाधान के मार्ग पर मैंने जो भी सेल्फ हेल्प अवधारणाएं खोजी हैं, उनमें सबसे समझदारी भरी अवधारणा है अपनी अधिक सफल नई तस्वीर से मस्तिष्क की प्रोग्रामिंग। यह पता लगाने वाला मैं पहला व्यवहारिक शोधकर्ता या लेखक नहीं हूँ। कई अन्य लोग भी इस निष्कर्ष पर पहुँच चुके हैं कि आप एक ढंग से दूसरे ढंग से अपने मस्तिष्क में जो भी रखते हैं, वही आपको एक तरीके से या दूसरे तरीके से वापस मिलेगा। हालांकि आत्मविश्वास के आत्मविकास के क्षेत्र में काम करने वाला प्रत्येक लेखक समान निष्कर्षों पर नहीं पहुंचा, केवल इसलिए क्योंकि अलग अलग लेखक समस्या को अलग अलग दृष्टिकोण से देख रहे थे। लेकिन ऐसे भी लोग हैं जिन्होंने पुस्तकें लिखकर करोड़ों लोगों को स्थायी तौर पर नहीं तो कम से कम कुछ समय के लिए ही सही बेहतर जीवन जीने का मार्ग दिखाया है। जब वे दूसरों की खुशी और अधिक समृद्ध जीवन की ओर ले जा रहे थे, तब मैं सफलता के महान दर्शन करने में व्यस्त था। समय के साथ मैं ये विश्लेषण करने लगा कि सफलता के सिद्धांतों में से केवल कुछ ही क्यों काम करते हैं, शेष क्यों नहीं करते। मैंने सफलता के दर्शन का अध्ययन किया, निर्देशों की लंबी सूची का विश्लेषण किया, उदाहरणार्थ अधिक धन कैसे कमाया जाए,
बेहतर मैनेजर कैसे बना जाए, वजन कम कैसे किया जाए, हताशा से कैसे उभरा जाए, बेहतर नौकरी कैसे पाई जाए, लक्ष्य कैसे तय किए जाएं, दूसरों के साथ कैसा व्यवहार करें, संबंध समय का प्रबंधन कैसे करें या आमतौर पर अधिक सफल कैसे हों। इसके बाद मैंने सफलता की तकनीकों को आजमा कर देखा और दर्जनों लोगों से बातचीत की जिन्होंने यही किया था। मैंने सफलता के उद्योग के कई नेताओं से लंबी चर्चा की, उन निगमों से जो सफलता बेचने का कारोबार करते हैं। मैंने उन ग्राहकों से बातचीत की जिन्होंने गोष्ठियों में भाग लिया था, पुस्तकें खरीदी थी या कैसेट सुने थे, क्या कारगर है और क्या नहीं। ये जानने के लिए मैंने स्वयं को सफलता के संसार में डुबो दिया और उस रोमांचक क्षेत्र के हर पहलू की अंदर से बाहर तक जांच की। मैंने उद्योग के नेताओं से बातचीत की, मैंने उनकी विधियों, तंत्रों और समाधानों की जांच की, अवलोकन तकनीकों के अभ्यास और लोगों से मिले परिणामों का विश्लेषण करते हुए उन वर्षों के दौरान मैं अपने आप से ये सवाल पूछता रहा कि जब इतने सारे अच्छे समाधान मौजूद हैं तो हमारे जीवन में स्थायी परिवर्तन क्यों नहीं हो रहा है। उदाहरण के तौर पर ऐसा क्यों है कि इतने सारे लोग सकारात्मक सोच जैसे महत्वपूर्ण विषय पर पुस्तक पढ़ने के बाद अलग तरह से सोचने का निर्णय तो लेते हैं लेकिन 6 महीने बाद ही दोबारा उसी प्रकार सोचने लग जाते हैं जैसा कि पुस्तकों को पढ़ने से पहले सोचा करते थे। अंततः मैं आत्म सुधार के बारे में इन निष्कर्षों पर पहुंचा। अधिकतर लेखक सही मार्ग दिखाते हैं, अधिकतर मामलों में वे ईमानदार और परवाह करने वाले होते हैं जो प्रत्येक के लिए सर्वश्रेष्ठ पर ही विश्वास करते हैं। यदि आप उनकी सलाह पर आचरण करते हैं तो अधिकतर मामलों में आपको सहायता मिलेगी। यदि आप उनकी सलाह पर आचरण करना छोड़ देते हैं तो निश्चित रूप से सहायता मिलना बंद हो जाएगी। मैंने सफलता के सिद्धांतों का अध्ययन किया, उनमें से कुछ अधिक लंबे समय तक कारगर होते हैं। बहरहाल एक बार पढ़ी गई चीज स्थायी नहीं होती। कोई भी सेल्फ हेल्प योजना या कार्यक्रम अपने आप या सतत सशक्तिकरण के बिना कारगर नहीं बना रह सकता। कैसे के 30 साल मैं जिन सेल्फ हेल्प अवधारणाओं की बात कर रहा हूँ, हो सकता है कि आप उनके बारे में जानते हो, यह भी हो सकता है कि आप न जानते हो। बहरहाल यदि आपने पिछले 20-30 वर्षों के दौरान सेल्फ हेल्प साहित्य पढ़ने में अधिक समय नहीं बिताया तो मैं आपको इसके सबसे लोकप्रिय संदेशों का सार बता देता हूँ। सफलता का साहित्य कहता है कि यदि आप अधिक सफल होना चाहते हैं तो आपको अपने आप पर विश्वास करना चाहिए, आपको अपनी प्राथमिकताएं सही रखनी चाहिए, आपको जिम्मेदारी लेनी चाहिए, आपको अपना भविष्य स्वयं बनाना चाहिए, आपको मनचाही चीजों पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए, आपको अपने लक्ष्यों के परिणाम को स्पष्ट देखना चाहिए, आपको अपने भाग्य की बागडोर किसी दूसरे को नहीं सौंपनी चाहिए, आपको रचनात्मक बनना चाहिए, आपको बड़ा सोचना चाहिए, आपको अपने तनाव को नियंत्रित करना चाहिए, आपको महत्वाकांक्षी और निश्चयात्मक होना चाहिए, आपको सकारात्मक ढंग से सोचना चाहिए, आपको अपनी दिशा स्वयं चुननी चाहिए, आपको स्पष्ट लक्ष्य तय करने चाहिए और उनकी समीक्षा करते रहना चाहिए, आपको अपने मस्तिष्क को बेहतर बनाने, परिणामों की समीक्षा करने और आवश्यक चीजें पढ़ने में प्रतिदिन कुछ समय देना चाहिए, आपको सहनशील होना चाहिए, आपको हर कार्य प्रेम पूर्वक करना चाहिए, आपको घृणा नहीं करनी चाहिए, आप में साहस होना चाहिए, आपको जान लेना चाहिए कि जीवन के बारे में आपकी अधिकतर मान्यताएं भ्रम के सिवा कुछ नहीं है, आपको ईमानदार होना चाहिए, आपको कड़ा परिश्रम करना चाहिए, आपको विश्वास करना चाहिए कि धन अच्छा है और वह आपके पास अवश्य आएगा, आप में आस्था होनी चाहिए, यदि आप कोई कार्य करते हैं तो उससे प्रसन्नता पूर्वक करना चाहिए, आपको मजबूत बनना चाहिए, आपको प्रेम प्रदर्शित करना चाहिए, आपको अपने समय का प्रबंध करना चाहिए, आपको सही पोशाक पहननी चाहिए, आपको दूसरों को राजी करना आना चाहिए, आपको अवकाश लेना चाहिए, आपको किसी अधिक ऊंची शक्ति में विश्वास करना चाहिए, आपको सही भोजन करना चाहिए, आपको समझदारी से जीना चाहिए, आपको ऐसे लोगों की मदद लेनी चाहिए जो आपके लक्ष्यों के प्रति सहानुभूति रखते हैं, आपको दूसरों की सहायता करनी चाहिए, आपको प्रेरक बने रहना चाहिए, आपको ध्यान करना चाहिए, आपको आशावादी बनना चाहिए, आपको दूसरों पर विश्वास करना चाहिए और विश्वास के योग्य बनना चाहिए, आपको ये जान लेना चाहिए कि सफलता का अर्थ केवल धन नहीं है, आपको दयालु होना चाहिए, आपको बड़ी तस्वीर देखनी चाहिए, आपको विवरणों का ध्यान कर रखना चाहिए, आपको व्यवस्थित बनना चाहिए, आपको टालमटोल नहीं करनी चाहिए, आपको नियंत्रण में रहना चाहिए, आपको स्वस्थ एवं सक्रिय रहना चाहिए, आपको प्रत्येक समस्या को
अवसर के रूप में देखना चाहिए। आपको अपने पद संबंधी प्रत्येक कार्य को सीखना चाहिए। आपको सफलता से घबराना नहीं चाहिए। आपको दूसरों के प्रति उदार होना चाहिए। आपको ईश्वर में विश्वास करना चाहिए, जिसे आप भी संभव मानते हो। उससे थोड़े ऊंचे का प्रयास करना चाहिए। आपको अपने दूरगामी लक्ष्य तय करने चाहिए। आपको कर्म करना चाहिए। आपको कभी हार नहीं माननी चाहिए। मुझे बताया गया कि यदि आप यह सब कर लेते हैं तो आप सफल हो जाएंगे। हालांकि मैं संदेहवादी था, लेकिन मुझे सहमत होना ही पड़ा। यदि आप आत्म सहायता या आत्म सुधार के उपलब्ध सभी सर्वश्रेष्ठ संदेशों को मिला लें, तो यह स्पष्ट है कि वे हमें सफलता की अधिकतर कुंजियां प्रदान कर देंगे। यदि यह सच है और मैं मानता हूँ कि ऐसा है, तो फिर गलत क्या है? यदि सिद्धांत और कई मामलों में तो विस्तृत निर्देश भी हमारे सामने इतनी स्पष्टता से बता दिए गए हैं कि फिर हमें अधिक पुस्तकों, अधिक समाधानों और अधिक याद दिलाने वाली चीजों की आवश्यकता क्यों है? अनुमान है कि हाल के एक वर्ष में $1 अरब से अधिक की सेल्फ हेल्प सामग्री केवल अमेरिका में ही बिकी। यदि इसके बावजूद कोई इस सब के बावजूद खोई हुई कड़ी कौन सी है? खोई हुई कुंजी कौन सी है? वह क्या चीज है जो इस पहेली को हल करेगी और हम में से प्रत्येक को स्थायी व्यक्तिगत सफलता और संतुष्टि प्रदान करेगी? खोए हुए अंश क्या कारगर है और क्या नहीं? इसके विश्लेषण पर मुझे 3 ऐसे अंश मिले जो लगभग सारे साहित्य में नदारद थे। पहला खोजा अंश है स्थायित्व। सभी बाहरी समाधान अस्थायी होते हैं। सबसे अच्छे विचार भी केवल कुछ ही समय तक कार्य करते हैं। अतः सतत ध्यान और प्रयास के बिना सफलता की सबसे रोमांचक महत्वपूर्ण खोजे भी अंततः हमारे अच्छे विचारों और अच्छे इरादों की सूची से जुड़कर रह जाती हैं। बहुत कम ऐसे स्वचालित तरीके बताए गए हैं जो लंबे समय तक अपने आप काम करते हैं। मुझे आज तक कोई ऐसी पुस्तक नहीं मिली जो सेल्फ के नीचे कूदे और हर सुबह आपका कंधा थपथपाकर कहे, अरे मेरी याद है ना मैं तुम्हें क्या सिखाया था, तुम इसे क्यों नहीं कर लेते हो। सफलता के अधिकतर साहित्य का खोया हुआ अंश है मानव मस्तिष्क की मनोदैहिक प्रक्रियाओं का ज्ञान, जो वास्तविक मानव मस्तिष्क की प्रक्रियाओं के बारे में हमारी जानकारी पर आधारित है। मानव मस्तिष्क किस प्रकार प्रोग्रामिंग को स्वीकार करके उस पर प्रक्रिया करता है, यह हमें किस प्रकार दिशा देता है या नियंत्रित करता है। इसकी वास्तविक प्रक्रिया को समझे बिना सफलता की कोई भी ऐसी योजना बनाना मुश्किल एवं असंभव होगा जो कारगर हो और अंततः समय पर अनंत समय तक काम करती रहे। समझ ले कि ये मस्तिष्क ही है जो जहाज को चलाता है। तो आप किसी भी प्रकार का स्थायी परिवर्तन करना चाहेंगे तो आपको नियमों का अनुसरण करना पड़ेगा। यदि आप कोई परिवर्तन करना चाहते हैं तो उसे स्थायी बनाना चाहते हैं तो आपको उस प्रकार कार्य करना होगा जिस प्रकार मस्तिष्क में काम करता है। तीसरा खोया हुआ अंश सबसे महत्वपूर्ण है। यह है अवचेतन मन को दिए जाने वाले नए शब्द दर शब्द दिशा निर्देश, यानी एक नई प्रोग्रामिंग। मस्तिष्क का नियंत्रण केंद्र, इसका अर्थ है एक विशेष प्रोग्रामिंग शब्दावली जिसमें चुनिंदा लाभकारी शब्द होते हैं जिनका प्रयोग कोई भी और किसी भी समय कर सकता है। ऐसे शब्द जो पुरानी नकारात्मक प्रोग्रामिंग को मिटा तथा हटा सकते हैं और आपको सकारात्मक एवं उपयोगी दिशाओं में ले जा सकते हैं। इन तीनों खोए हुए अंशों को सम्मिलित करने वाला एकमात्र समाधान है आत्मचर्चा। एक पल के लिए उन चीजों के बारे में सोचें जिन्हें आप अपने जीवन में प्राप्त करना चाहेंगे, या अपने जीवन में उन अधिक छोटी चीजों के बारे में सोचें जिन्हें आप इस समय बदलना चाहेंगे। आपका लक्ष्य आपकी आमदनी पैदा करना हो सकता है, या फिर बेहतर पारिवारिक जीवन प्राप्त करना, अपनी योग्यताओं को बेहतर बनाना, स्कूल में बेहतर प्रदर्शन करना, ऑफिस या कामकाज में बेहतर करना, कुछ भी हो सकता है। परिवर्तन करने के लिए आप चाहे जो साधन चुने, जब तक उसके पहले पति। एक पल के लिए उन चीजों के बारे में सोचें जिन्हें आप अपने जीवन में प्राप्त करना चाहेंगे, या अपने जीवन में उन अधिक छोटी चीजों के बारे में सोचें जिन्हें आप इस समय बदलना चाहेंगे। आपका लक्ष्य आपकी आमदनी पैदा करना हो सकता है, या फिर बेहतर पारिवारिक जीवन प्राप्त करना, अपनी योग्यताओं को बेहतर बनाना, स्कूल में बेहतर प्रदर्शन करना, ऑफिस या कामकाज में बेहतर करना, कुछ भी हो सकता है। परिवर्तन करने के लिए आप चाहे जो साधन चुने, जब तक उसके पहले आप अपनी पुरानी प्रोग्रामिंग को बदलना शुरू नहीं करते, तब तक संभावित परिणाम यह होगा कि आप जो हासिल करना चाहते हैं वह लंबे समय तक कारगर सिद्ध नहीं होगा।